पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ बाहर तक लिफ्ट दे दीजिए, फिर मैं वहां से टैक्सी कर लूंगा। प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अमित साहब कहाँ चले गए? ओ बॉस, वो जो साहब यहाँ खेल रहे थे वो अमित साहब कहाँ चले गए? मुझे तो पता नहीं। कमाल है यार, 5 मिनट पहले तो मुझे खाना लेने भेजा, बाइक भी बाहर खड़ी है, कहाँ चले गए? ओ ब्रदर, वो अमित साहब यहाँ खेल रहे थे कहाँ चले गए? अमित मालूम नहीं कहाँ पे चला गया। ये अमित अभी तक नहीं आया। ये अमित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बोल रही हूँ। हाँ पूजा, क्या हुआ? वो अमित का कुछ पता है क्या? तुम्हें मिला? अमित? पूजा, कल रात को तो वो ऐसा पालों में था, लेकिन उसके बाद मेरी उसे कोई बात भी नहीं हुई। सब ठीक तो है? नहीं, आज मुझसे मॉल में मिलने वाला था और कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, अगर तुम्हें मिले या उसका कोई भी फोन आए तो उससे कहना मुझे तुरंत फोन करे, ठीक है? हेलो पूजा, हेलो अमित कहाँ जा सकता है?
पूजा मैम, अमित साहब का पर्स। हेलो। हाँ राजू, मैं विक्की बोल रहा हूँ। कल रात को अमित साहब पार्लर से कितने बजे निकले थे? पता नहीं साहब, कल रात को जब उनका खाना लेके मैं बाहर से आया तो वो यहाँ नहीं थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनकी बाइक यहीं खड़ी थी और अब भी है। और साहब, आज सुबह जब पार्लर खोला तो वो नए वाले वीडियो गेम से अजीब से आवाज आ रही थी, और उसके पास उनका पर्स और ये उनकी बाइक की चाबी मिली। मशीन क्यों राजू? मैंने मना किया था राजू, मैंने मना किया था कि वो गेम कोई नहीं खेलेगा, तो क्यों खेली? किसने? राजू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि वो गेम कोई नहीं खेले, समझ गए? हाँ साहब। तुम यहाँ फोन पर लगे हो। मॉल जाना है, देर हो रही है। चलो विकी, चलो ना। हाँ वो मेरा भूल नहीं है, तुम चले जाना प्लीज। अच्छा क्या हो गया तुम्हारे मूड को? हम वो अमित। विकी क्या बात है? विकी बताओगे भी क्या बात है? अनु वो कल रात को अमित और मैं राजू कैसे हो? बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है। सब ठीक ठाक? बिल्कुल। विकी कहाँ है? वाह। विकी द मैन, क्या हालचाल? बस ठीक ठाक, तू बता। मुझे पता था तू यही मिलेगा मुझे। ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी निकल भी रहा हूँ। कम ऑन यार, चल। एक गेम तो तुझे मेरे साथ खेलना ही होगा। तू ये गेम कंप्लीट कर, मैं जा रहा हूँ। ओके बस अभी निकल ही रहा था। विकी, तेरी डिलीवरी आ गई है। कौन सी डिलीवरी? क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? ए क्या हुआ? किसी का फोन था और कह रहा था कि डिलीवरी आ गई है। डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? पता नहीं। और अजीब बात तो ये है कि फोन पे कोई नंबर भी फ्लैश नहीं कर रहा है। व्हाट? क्या हो रही है? वाओ विकी, दैट्स अ न्यू वीडियो गेम। लगता है ज्ञान ने भेजा है। पता नहीं किसने भेजा, लेकिन ये यहाँ लेकर कौन आया है? ये आई कैसे यहाँ पे? पता नहीं। चल के देखते हैं। मानना पड़ेगा, क्या स्टाइल निकाला है गेम को डिलीवर करने का, एकदम हॉरर स्टाइल में। नहीं साहब, गेम को अंदर ले चलूं? बिल्कुल नहीं, हम इस गेम को अंदर नहीं लेके जाएंगे। पता नहीं किसकी गेम है ये, और ये यहाँ
यहाँ पहुंची कैसे? कौन लेके आया? देखिए कैसे पागलों वाली बात कर रहा है यार, इतना अच्छा गेम अगर रात को बाहर रखा और कोई ले गया तो? अंदर ले चलते हैं इसे। साहब, वो अमित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ले चलो अंदर। ठीक है, ले ले अंदर ले। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से, संभाल के राजू। क्या बात यार, एक बात तो तय, इस गेम को सबसे पहले मैं खेलूंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक पता नहीं चल जाता है गेम कहां से आई है, इसे कोई नहीं खेलेगा, समझ गए? ओके ओके, जैसा तुम कहो। इस गेम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बस। हाँ नो, मैं बस रास्ते में ही हूं, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके बाय। राजू जी साहब, ध्यान रखना जो मैंने कहा, इस गेम को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। बस इतनी सी बात है विकी, मुझे लगता है कि अगर अमित वो गेम खेल लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस इट्स अ गेम यार। तुम समझ नहीं रही हो अनु, अनु अमित कल रात से पार्लर से गायब है, उसकी बाइक अभी भी पार्लर पे खड़ी है। तो आई एम सॉरी, पर मुझे ये अमित और इस गेम का ना कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शायद वो गायब ही इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने वो गेम खेली। अमित कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूँ अनु, पिछले कई दिनों से सारे गेम वाले यही बात कर रहे हैं कि एक ऐसी गेम है जो बिना ऑर्डर किए बिना मंगवाए खुद ब खुद पार्लर पे पहुंच जाती है। एक्चुअली अनु, दरअसल उस गेम में आत्माएं हैं, और जो भी वो गेम खेलता है वो आत्माएं उसे मार देती है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमित मर चुका है? पता नहीं, लेकिन अनु अगर अगर अमित ने वो गेम खेली है तो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। I don't believe this. मतलब 21st सेंचुरी में तुम आत्माओं की बातें कर रहे हो? अनु आत्माएं होती हैं, तुम मानो या ना मानो आत्माएं होती हैं। पूजा मैम, राजू कल रात को अमित यहाँ आया था क्या? जी वो घर पर वापस नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन उसकी बाइक तो यहीं बाहर खड़ी है। हाँ, और बाइक की चाबी और पर्स भी यहीं है, आज सुबह मुझे यहीं पड़ा मिला था। पर्स और बाइक लिए बगैर ये कहाँ चला गया? कल रात से गायब है, मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। शायद कोई जरूरी काम पड़ गया हो, आप थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लीजिए ना मैडम, बाइक यहीं है तो लेने तो जरूर आएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं यहीं पर उसका इंतजार करती हूँ। अच्छा मैडम, ज्ञान जी को ये बिल कोरियर करना था, मैं बस 10 मिनट में आया। ठीक है। Thank you.
मुझे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी बार उसे बोला कि पार्लर अकेला छोड़ के नहीं जाए करे और अगर किसी ने वो गेम खेली तो तो यही कहीं बज रहा है, कहाँ है? आवाज तो इसी मशीन के अंदर से आ रही है। पूजा, चलो पूजा गेम खेलते हैं। मजाक है, सामने आओ। एक शर्त पर बाहर आऊंगा पूजा, पहले तुम्हें ये गेम खेलना होगा। तुम जानते हो ना मुझे वीडियो गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने आओ। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कम ऑन पूजा, प्ले द गेम। ठीक है, अगर मैं गेम खेलूंगी तब तुम सामने आ जाओगे ना? हाँ, इस गेम को खेलते ही हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या तुम आगे खेलना चाहती हो? क्या आखिरी मौका है तुम्हारे पास? इसके बाद जो भी फैसला तुमने किया है उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। पार्लर में थी, यहाँ मॉल में कैसे आ गई? गेम खेलने की गलती की थी। अब चलो
गलती की है तो अंजाम भी भुगतो। नहीं नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे छोड़ दो। सफेद गाड़ी के पास जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। क्या कब से घुमा रहे हो? मैं काम करती हूँ, मैं दुकान में जाती हूँ। देखो दुकान बंद हो जाएगी, तुम पर्ची लेके ऊपर आ जाना, जल्दी आओ। राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो राजू, तेरे को कितनी बार बोला है पार्लर में बैठा कर। साहब साहब, पार्लर में कुछ गड़बड़ है साहब। अभी थोड़ी देर पहले पूजा मैम यहाँ आई थी और वो भी गायब है, और उनका ब्याह गया, वो नायक के पास पड़ा मिला। क्या पूजा भी गायब हो गई? पता नहीं साहब, मैं तो ज्ञान साहब का बिल कुरियर करने गया था साहब। राजू मेरी बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए तू पार्लर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और किसी को भी वो मनहूस गेम मत खेलने देना, ठीक है? जी साहब। पास पता ना, तो प्लीज देख भाई। लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब आ गए हो तो मेरी मदद करो। कैसे लग रही है अनु? चलो यहाँ से। पर कहाँ? अनु बात नहीं करेंगे, चलो यहाँ से, मैं जाना होगा। अरे विक्की, कहाँ जा रहे हो तुम? अनु मैंने अमित को देखा। अमित को? हाँ, और नीचे पार्किंग लॉट में, फिर वो गायब ही हो गया। अब विक्की तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अनु मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, उसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे को जैसे क्या? जैसे वो मर गया। क्या? देखो मैं विक्की, विक्की क्या हुआ? क्या पूजा? पूजा अनु मेरे पीछे पूजा खड़ी है। विक्की वहां कोई नहीं है। अनु कैसे? देखो ठीक से देखो, मेरे पीछे खड़ी है तो विक्की तुम्हारे। अनु बाहर देखो, वहां खड़ी है विक्की। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पलट कर देख लो, वहां पूजा नहीं है, देखो। कहां है? लेकिन अभी तो अब
विकी, 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 क्या? अनु यहीं खड़ी थी, मैंने पूजा को यहीं देखा था। विकी ये क्या हो रहा है तुम? Why can't you believe me, अनु? ये सब उस मनीष मशीन की वजह से हो रहा है। सब उस वीडियो गेम की वजह से हो रहा है ना? क्या क्या यार ये कैसी वीडियो गेम भेजी तूने मुझे? अरे यार कौन सी वीडियो गेम की बात कर रहा है तू? मैंने कोई वीडियो गेम नहीं भेजी है। क्या ज्ञान कह रहा है उसने मेरे पालों पे कोई गेम नहीं भेजी? अगर ज्ञान ने नहीं भेजी तो फिर किसने? मुझे जाना होगा। कहाँ? पालक। वो गेम यही तो थी क्या? हाँ अनु यही थी वो गेम। कहाँ गई? यही कहीं होगी, देख लो जरा। क्या? राजू 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 वो नई वाली गेम का है। सब वो गायब हो गई साहब, दुकान से अपने आप गायब हो गई। क्या इतनी बड़ी गेम अपने आप गायब कैसे हो सकती है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गेम मेरे आंखों के सामने इस तरह गायब कैसे हो गया। मैंने कहा था ना अनु, मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई मामूली गेम नहीं है, ये वही वाली गेम है, वो आत्माओं वाली। अब सच कह रहे हैं साहब, जरूर कोई आत्माओं वाला चक्कर है इस गेम में, नहीं तो मुझे पता था। राजू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए पालो बंद कर दे, ठीक है? हाँ पालो बंद कर दे तू, कहीं ये ना हो कि वो गेम वापस आ जाए। जी साहब। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, गेम अपने आप गायब हो गई, हमारा पीछा तो छूटा ना। नहीं अनु नहीं, इस गेम का गायब होना आने वाले तूफान से पहले की शांति है। चलो अब ना घर छोड़कर थोड़ा आराम कर लो। मैं सच बताऊं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी आत्मा वाली वीडियो गेम भी कैसे हो सकती है ना। विकी यहाँ मैं अपनी धुन में तुमसे बातें किए चली जा रही हूँ और तुम अब तक कार में ही हो। अमित और पूजा ठीक नहीं है, मैंने उन्हें मॉल पे देखा और उनकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ठीक नहीं है, और अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं अपना। देखो हमसे जो बन पाया हमने वो किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वीडियो गेम वापस आ गई है तो शायद अमित और पूजा भी वापस आ जाए, है ना? काश जो तुम कह रही हो ठीक हो। चल अब घर चलो और आराम करो, कम ऑन। अब क्या हुआ? अनु अंदर जाने से डर लगता है, कहीं वो वीडियो गेम पालस से यहाँ पहुंच गई हो तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
विकी, विकी देखो तो यहाँ कोई गेम वेम नहीं है, तुम खामा खा डरे थे। विकी आओ ना। चलो अंदर चलो। क्या हो गया मुझे, कैसे भयानक शक्लें नजर आने लग गई। विकी, तुम इस खेल से बचकर भाग नहीं सकते। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पूछा, मैं ये गेम नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हारी ये गेम नहीं खेलूंगा, नहीं मैं कभी नहीं खेलूंगा, नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेलूंगा, पूछा मुझे छोड़ दो, मैं नहीं खेलूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। विकी, मैं अनु। अरे वो पूजा यहाँ पे, वो पूजा मुझे, वो यहीं पे है, मुझे मारने की धमकी दे रही है, वो कह रही है मुझे नहीं छोड़ेगी कुछ, वो मुझे यहाँ कोई नहीं है, नहीं वो मुझे मार देगी पूजा। कहाँ है पूजा? वो वहाँ बैठी। विकी, वहाँ कोई नहीं है, पलट कर देखो, वहाँ कोई नहीं है। वो यहीं कहीं है अनु, मैं सच कह रहा हूँ, सच्ची मेरी बात मानो, अभी वो वहीं थी, उसने मुझे धमकी दी थी कि मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मुझे कहा था कि मुझे गेम खेलनी पड़ेगी, मैं गेम नहीं खेलूंगा मुझे जान से मार देगी, मैं बता रहा हूँ अनु मेरी बात मानो, उसने मुझे कहा था। कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है, और तुम क्यों डर रहे हो? नहीं अनु, वो नहीं छोड़ेगी मुझे। मेरी बात सुनो अनु, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बस सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो चलो विकी। अनु, तुम्हारा वहम है। मैं सच कह रहा हूँ, उसने कहा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा बस वहम है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो आज मैं बता रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। विश्वास करो सच्ची। घबराने की कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। प्लीज अनु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज ले जाओ। अनु, मैंने कहा ना ले जाओ। नो रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अमित तुम? हाँ मैं। अमित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी वो गेम खेलना होगा विकी, वो सबसे गुजरना होगा जिससे हम गुजरे। मुझे दूर रहो तुम, देखो अमित मुझे कोई गेम नहीं खेलनी, मुझे मुझे अमित मुझसे दूर रहो, देखो मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। क्या हुआ विकी, क्या हुआ तुम्हें? अमित ये मुझे मारने आया है, नहीं छोड़ेगा मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा,
मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं भी नहीं बचूंगा, अब मैं तो पूजा की तरह, मैं नहीं बचूंगा, मुझे नहीं, मैं नहीं। विकी, विकी कहां जा रहे हो? विकी रुक जाओ ना। अलू, ये आवाज सुनाई दी तुम्हें? आवाज विकी, कैसी आवाज है? वो वहां से आ रही है। पर वहां वीडियो गेम, विकी, विकी वहां वहां वीडियो गेम है, देखो ना वहां वीडियो गेम है। अनु, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने कहा था वो वीडियो गेम, वीडियो गेम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये खेल तो तुम्हें खेलना ही होगा विकी। मैं नहीं खेलूंगा। तुम इस खेल से बच नहीं सकते। प्लीज प्लीज पूजा, अबे निको नहीं खेलना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मौत का खेल खेल, मैं विकी तुम किससे बात कर रहे हो? विकी तुम किससे बात कर रहे हो? अनु, पूजा, अमित ये सामने खड़े हैं, तुम्हें मुझे बोल रहे, मुझे खेलना पड़ेगा, मैं नहीं खेलूंगा। मुझे नहीं खेलना। कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं नहीं खेलूंगा। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मम्मी के घर चलते हैं। हाँ विकी चलो, विकी चलो। विकी क्या कर रहे हो? वो तीनों। क्या? कौन तीनों? वो तीनों। कौन तीनों विकी, कौन तीनों? अनु, पूजा और अमित वो खड़े वहां। विकी वहां कोई नहीं है। वहीं खड़े हैं। वहां कोई नहीं है, चलो गाड़ी शुरू करो। कर क्या रहे हो? अनु वो हा? वो अमित वो आ रहा है। विकी कौन आ रहा है? अमित, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अनु अमित प्लीज मुझे छोड़ दो, अमित प्लीज, अमित देख मैं को नहीं खेलना, अमित प्लीज, अमित अमित तुम्हें खेलना होगा विकी, अमित प्लीज, अमित प्लीज मुझे तुम्हें खेलना होगा विकी। यहाँ कैसे आया? तो मेरा घर है, तो रास्ते में चल रहा था। तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तुम देखो मेरे पास बताना, तुम सुन, मेरे पास बताना तुम।
तुम क्या सोचते हो, तुम्हें मेरी वीडियो गेम से मुक्ति मिल जाएगी? मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तुमने कैसे गेम भेज दिया? नहीं मेरा विकी, चाहे कुछ भी हो जाए विकी को वो गेम नहीं खेलने देना, वरना उसकी मौत हो जाएगी। नष्ट कर दो, उस गेम को तोड़ दो, बस यही एक तरीका है। वापस आती तो नहीं आएगी, मैंने उस मशीन को ही नष्ट कर दिया। अब कोई आत्मा हमारे बीच नहीं आ सकती, कोई आत्मा नहीं आएगी। हाँ
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।